हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कस्टम ब्यूटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेशियल ऑयल। अगर आपके स्किन के ऊपर सर्दियों के बाद ब्रेकआउट्स आने शुरू हो चुके हैं, ड्राइनेस हो चुकी है, डल हो चुकी है आपकी स्किन, तो उसको ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, डलनेस को, ड्राइनेस को, और आपकी स्किन के ऊपर एक जो नेचुरल ग्लो होता है उसको फिर से वापस ला देगा। ठीक है, तो आपकी स्किन फिर से ग्लो करेगी। तो अभी आप अभी देख सकते हो, ये है मेरे पास ऑयल जो मैंने घर में बनाया है। पहले मैं आपको दिखा दूं ये कैसा है। सी, कुछ इस टाइप का है ऑयल। तो गाइज, इस ऑयल को मैंने घर में ही बनाया है, और बनाने के बाद मैंने इसको अपनी इस, ये खाली बॉक्स हो चुका था तो मैंने इसके अंदर डाल लिया, और ये मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने इसको यूज़ कर लिया और इसके अंदर डाल लिया, और इसको मैंने किया यूज़ थोड़ी दिन, मैंने 5 to 7 days इसको यूज़ किया, और मुझे अपने फेस के ऊपर इतना फ़र्क दिखा। जो सर्दियों में मेरे फेस के ऊपर ब्रेकआउट्स हो चुके थे, डलनेस थी, ड्राइनेस थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है मुझे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने इसको बनाना कैसे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए इस ऑयल को बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश रोज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर फ्रेश यूज़ करो तो आप उसको वॉश कर लो अच्छे से। ठीक है, अगर आपके पास रोज़ नहीं है तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो गेंदा। ठीक है, गेंदे का फूल अगर फ्रेश यूज़ करें तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है वॉश, क्योंकि इनकी लीव्स के अंदर ना, पेटल्स के अंदर थोड़ी सी गंदगी होती है, धूल मिट्टी जम जाती है इनके अंदर। ठीक है, अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप रोज़ को स्किप कर सकते हो, तो आप गेंदा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो है छोटा सा टुकड़ा बीट रूट का, एक टुकड़ा गाजर का लेना है छोटा सा वो भी, और छोटी सी ना हमने फ्रेश हल्दी लेनी है। अगर ये नहीं है तो आप सूखी हल्दी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इन सबको कर लेंगे ग्रेट। सो गाइज, यहाँ पे अब मैंने लिया है तेल। अब मैं आपको देती हूँ तीन ऑप्शंस, आप इन तीनों में से कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, बीट आलमंड ऑयल, तिल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल। इन तीनों में से कोई भी एक तेल ले सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी और ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, कोई खाने वाला ऑयल नहीं लेना। लाइक आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, वो बिल्कुल ही नहीं लेने। इन तीनों में से आप कोई भी तेल ले सकते हो। यहाँ पर जो मैंने लिया है ये आलमंड ऑयल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब लगा देती हूँ, गैस ऑन करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने गैस को ऑन कर दिया। पहले हमने ऑयल को गर्म करना है, इतना भी गर्म नहीं करना कि हमने तड़का लगाना है, हमने जस्ट इसको हीट करना है, गर्म करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है गाइस, तेल गर्म होने के बाद ना मैंने गैस को कर दिया बंद। अब इसमें मैंने डाल दी है लीव्स, गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ, और जो मैंने वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रेट की थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और इसको हल्का हल्का सा हिलाना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं हिलाना, और इसको इतना हिलाना कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है इस ऑयल के अंदर चला जाए। और थोड़ी देर बाद आप इस ऑयल का कलर देखोगे, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो इस ऑयल के अंदर चले जाएंगे, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑयल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाएगा तब हमने ना इसको सीव कर लेना है, छान लेना है किसी दूसरे बाउल में, और आप इसको रख सकते हो 1 month के लिए। आपने ना इसको किसी बॉक्स में डाल के, किसी भी कंटेनर में डाल के रख लेना है, और आप इसको लॉन्ग टाइम तक भी रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो, डेली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है मेरा ऑयल, कलर देखो यार कितना अच्छा आ गया है। सो गाइज, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए हमने रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से लगाना है, और थोड़ी सी मसाज भी करनी है। अगर आप चाहो तो सुबह उठ के भी इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी नेचुरली डाली हुई हैं। इसका मैं अगर कलर दिखाऊं तो इतना खूबसूरत कलर है ना, इसका कलर देखो। इसमें हल्दी डाली हुई है, हल्दी डाली होने के कारण इसका कलर थोड़ा सा येलो टोन में है। और आपने इसको अपनी फिंगर्स के ऊपर लगा कर या हथेली पर लगा कर ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, तो ये हीट हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगी आपके हैं ये ऑयल। तो इसको थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है ऐसे, फिर आपने हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर टैप टैप करके लगाना है। हल्की सी आपने मसाज करनी है, जो स्टेप्स होते हैं, अपर लिफ्ट करना है, अपर लिफ्ट करना है आपने अपना फेस, दिस साइड, दिस साइड। ठीक है, बाल आ रहे हैं। ठीक है जी,
यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने अपर लिफ्ट करना है, हल्की सी जस्ट 2 या 2 या 3 मिनट आप मसाज कर लोगे ना, तो आपका फेस जो रिंकल लाइंस शुरू हो रही है ना उनको ख़त्म कर देगा। आप इसे बच्चों पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इनमें सारी चीज़ें नेचुरल हैं, केमिकल्स कुछ भी नहीं है इसमें। आप चाहो तो इसको अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हो। सी कितनी शाइनिंग आ जाती है लगाने से। हैंड्स पे, आर्म्स पे, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हो आप, तो कितना डिफरेंस दिखता है जब आप इसको अप्लाई करते हो। ये ऑयल आप किसी भी एज में लगा सकते हो, अगर आप 20+ हो, 30+ हो, 40+ हो, किसी भी हर एक एज के लिए ये परफेक्ट है। अगर आप चाहो तो बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कोई भी इसको लगा सकता है। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे। अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन, बाय बाय।